हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए कक्षा 12 के लिए यही निबंध आएंगे 100% गारंटी। यानी दोस्तों आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध बताने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कैसे आपको निबंध लिखना है और क्या क्या आपको हेडिंग कैसे डालना होगा। बहुत ईजी तरीके से बताएंगे और सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी दोस्तों ये 16 फरवरी में जो ये हम निबंध लेकर के आए हैं, 5 से 7 निबंध आपको बताएंगे, इसी में से आपके बोर्ड पेपर में 16 फरवरी में सभी सेट में आपको ये निबंध अवश्य दिखेगा। ठीक है, तो जो जो निबंध बता रहे उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो से को देख रहे हैं, इस क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे स्टूडेंट जो इस क्लास को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, हर एक बच्चों तक पहुँचाइए। जो बच्चे अभी तक अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए हुए हैं तो कम से कम उनको शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि वो देख करके वीडियो के माध्यम से तैयारी अपना करके कम से कम बोर्ड तो पास हो ही जाए। ठीक है, तो सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर देनी, और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़े हुए आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके आल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों जितना बताते चल रहे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए जितना क्लास इंपॉर्टेंट बता रहे उतना आप सभी को करते चलना, और इसी में से आपके पेपर पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना बताया जाए कम से कम उतना आप सभी बच्चों को अच्छे से कर लेना है। साथ में दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर के जरूर जुड़िएगा, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चलते हैं उसका लिंक जो है आपको व्हाट्सएप पर भी शेयर किया जाता है और टेलीग्राम पर भी शेयर किया जाता है। अगर पीडीएफ की बात करें तो अगर पीडीएफ कोई फ्री रहती है, पीडीएफ जो भी हमें प्रोवाइड करना होता है तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें बिल्कुल फ्री में। आप सभी को एक रुपये भी पैसा खर्च नहीं करना है, जितना बताया जाए सिर्फ आप सभी बच्चों को उतना करते हुए बढ़ना। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप बिल्कुल वहां से भी मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए 16 फरवरी का देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, एकदम आप सभी अच्छे से तैयार हो जाइएगा और जो तरीका बताएं और बिल्कुल इसी तरीके से आप सभी को लिखना है, और ऐसे ही आप लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो दोस्तों पेपर जब आपको मिलेगा तो पेपर में क्वेश्चन नंबर 14 आपको मिलेगा, बिल्कुल सेम पैटर्न में ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों देखिएगा ध्यान से, यहाँ देखिए कि ना 9 अंक दिया गया, लेकिन यहाँ दिया है 2 + 7 = 9, यानी दोस्तों ये 2 अंक कहाँ है और 7 अंक कहाँ है। तो दोस्तों 7 अंक आपको निबंध लिखने के लिए, ध्यान सुनिएगा, 7 अंक निबंध लिखने के लिए, और 2 अंक आपको मिलेगा रूपरेखा का, रूपरेखा को जिसको हम लोग विचार बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? विचार बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे रूपरेखा या विचार बिंदु क्या होता है। ठीक है, अभी आप ध्यान समझिए, यानी 2 नंबर आपको मिल जाएगा रूपरेखा या विचार बिंदु लिखने के लिए, और 7 अंक आपका रहेगा निबंध लिखने के लिए जो आप हेडिंग डाल करके लिखते हैं। अभी हम आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे, चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करके आते हैं कि एग्जाम में जो है सिर्फ निबंध सीधा सीधा लिखते हैं, जो कि आपको 7 में से ही आपको 5, 4, 6 इस तरीके से नंबर मिलता है, ये 2 नंबर आपका कट जाता है। तो आज हम ये भी बताएंगे ये 2 नंबर आपको कैसे मिलेगा। अब ध्यान सुनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, 5 आपको यहां पर निबंध दिया रहेगा, देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर देशाटन के लाभ, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, मेरे प्रिय साहित्यकार, विज्ञान वरदान और अभिशाप। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का मॉडल पेपर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आपका ऐसे नहीं है। ठीक है, यानी निबंध ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, निबंध कोई दूसरा हमने सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपको 16 फरवरी के पेपर में दिखने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आपको पता हो गया क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन पूछेगा और बिल्कुल इसी तरीके से पूछेगा, 5 दिया रहेगा, कोई एक आपको करना होगा, और 2 अंक आपका रूपरेखा पर, और 7 अंक आपको निबंध लिखने के लिए यहां पर दिया जाएगा। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो हम आगे बढ़ लेते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो है निबंध आ चुके, अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर सभी बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर जो है यानी कि आर्ट साइंस साहित्य हिंदी के लिए भी और सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए, यानी कि आर्ट साइंस वाले बच्चे भी देख रहे हैं उनके लिए एक क्लास इंपॉर्टेंट है, और
सामान्य यानी साइंस वाले बच्चे जो देख रहे हैं सामान्य हिंदी जिनका है उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप सभी को निबंध अच्छे से तैयार करना ही करना है। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहले हम बात कर लेते हैं निबंध के बारे में, उसके बाद जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ताकि आप अच्छे से टिक कर पाए, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे आपको समझाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका निबंध पूछा जाएगा, पहला निबंध आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण पर, ठीक है। पहला निबंध आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण प्रदूषण पर, जो कि दोस्तों लगभग हर साल क्वेश्चन ही आता है, यानी हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण प्रदूषण को आपको याद करनी है। दूसरा निबंध जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण, इस तरीके से चीजें पूछ सकता है। यह भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। आप सब टिक करते चलिएगा सही बच्चे, ठीक है। इसका तीसरा है आपका भ्रष्टाचार, ठीक है, यह भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका हो जाता है भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार में कारण निवारण भी पूछ सकता है हेडिंग डाल करके, ठीक है। और चौथा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपका है, ठीक है, आतंकवाद या क्या पूछेगा, या तो आतंकवाद पूछेगा या भारत में आतंकवाद, क्या पूछेगा, भारत में आतंकवाद, इस तरीके से आपके निबंध पूछ सकते हैं। आतंकवाद पूछे जाएगा या फिर दोस्तों भारत में आतंकवाद, इस तरीके से जो है पूछा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा कहता है मेरे प्रिय लेखक या साहित्यकार, जिसमें कि या तो आपसे पूछेगा कि मेरे प्रिय लेखक यानी कि मेरा प्रिय लेखक साहित्यकार आप किसी के बारे में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको नाम भी दे सकता है कि जयशंकर प्रसाद पर ही आपको निबंध लिखनी है, या फिर दोस्तों आपको किसी भी यहां पर लेखक के बारे में आपका लेखक का नाम दे करके भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कि जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए, इस तरीके से, ठीक है। इसका दोस्तों जो छठा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, सभी बच्चों के लिए ये भी आपका क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत साल रिपीट किया हुआ है, इस बार भी ये पूछेगा। और दोस्तों सातवां और लास्ट निबंध जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं आपके, खेलकूद का महत्व स्वास्थ्य या हमारे जीवन में खेलकूद का महत्व, अब ध्यान सुनिएगा, या तो आपसे पूछेगा खेलकूद का महत्व या स्वास्थ्य, या तो ऐसे पूछ देगा निबंध लिखने के लिए, या आपसे पूछेगा कि हमारे जीवन में खेल कूद का क्या महत्व है, इस पर आपको निबंध लिखने के लिए पूछेगा। तो ये भी आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध आ जाती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पता चल चुका है कि ये सात निबंध आपको 2023 के पेपर में पूछा जाएगा, किसी न किसी सेट में ये सात निबंध आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सात निबंध को आप अच्छे से टिक कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने क्वेश्चन बैंक में भी मिला करके आप पढ़िएगा। आपको रट्टा नहीं मारना, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आती है क्वेश्चन बैंक में जाइए, उनका हेडिंग याद कर लीजिए एक बार, उसको पढ़ना, जिससे ज्यादा आपको समय उस पर बर्बाद नहीं करनी निबंध पर। अब चलिए मैं आपको सिखाते हैं निबंध कैसे लिखना है, कैसे आपको नंबर यहां पर मिलेगा। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला आपका आ जाता है, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर लेते हैं, जिसमें कि पर्यावरण प्रदूषण पूछेगा या फिर दोस्तों आपसे पूछेगा समस्या और समाधान, इसी में जोड़ सकता है समस्या और समाधान, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो मान करके चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण पर। अब देखिए यहां पर हमने एक थोड़ा सा यहां पर हमने फोटो एक लिया हुआ है ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए सभी बच्चों को, यहां पर आप देख पाएंगे पर्यावरण प्रदूषण के लिए, ठीक है। तो यहां पर किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का महत्व या असंतुलित पर्यावरण, इस तरीके से चीजें पूछा है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब इतनी बातें क्लियर होगी तो बच्चे अब हम आपको ये बताते हैं कि अब दो अंक किसको कहते हैं, दो अंक जो आपका विचार बिंदु, ठीक है, किसको विचार, ठीक है, या प्रमुख विचार बिंदु, या विचार बिंदु जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, या रूपरेखा, रूपरेखा, रूपरेखा में क्या लिखा जाता है निबंध में, ध्यान समझे, रूपरेखा में वही यानी विचार बिंदु में या रूपरेखा में वही लिखा जाता है जो आप निबंध के लिए हेडिंग डाल डालकर लिखेंगे। जैसे कि यहां पर हम आपको एग्जांपल में दिखा देते हैं, यहां पर आप देख पाएंगे सही बच्चे, यहां पर फोकस करेंगे, देखिए यहां पर विचार बिंदु या इसी को हम लोग बोलते हैं रूपरेखा। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे, कौन कौन से आप हेडिंग डालने वाले निबंध में लिखने के लिए, तो हमने आपको बताया है कि पहला हेडिंग आप सभी का काम रहेगा क्या, प्रस्तावना, क्या रहेगा भाई, प्रस्तावना,
ठीक है, ये डालना ही ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रस्तावना आपको डालना पड़ेगा। प्रस्तावना में जैसे क्या था कि जो आप जिसके बारे में आप निबंध लिखते हो है क्या, उसके बारे में मोटी मोटी बात जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रस्तावना एक पहला हो जाता है। उसके बाद अब आपको निर्भर करता है कि आप किस पर लिख रहे हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण पर लिख रहे हैं तो प्रदूषण का अर्थ आप डालेंगे हेडिंग, दूसरा हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, तीसरा डालेंगे प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार में आप कई प्रकार इसमें डाल सकते हैं, जिसमें प्रदूषण के प्रकार में आपका वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, जल प्रदूषण हो गया। ठीक है, प्रकार में क्या क्या डालेंगे भाई, आपका वायु प्रदूषण हो गया, ठीक है, जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो गया, इस तरीके से चीजें जो है आप डाल सकते हैं। रेडियो धर्मी प्रदूषण हो गया, रासायनिक प्रदूषण हो गया, ये आप पर निर्भर करता है आप कितना उसमें डाल करके लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हो गया आपका प्रदूषण के प्रकार। फिर हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण की समस्या। अब हेडिंग कौन सा बन सकता है, आपने देखिए कैसे आपने ये जाना कि प्रस्तावना डाल दी, प्रदूषण के बारे में आपने लिखा, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है वो आपने लिखा, फिर प्रदूषण के प्रकार हो गया। अब प्रदूषण के प्रकार लिख लिए तो आप लिखेंगे प्रदूषण की समस्या क्या थी, तो प्रदूषण की समस्या आपका चौथा हेडिंग बन जाता है यहां पर। ठीक है, चौथा हेडिंग, और उससे हानियां आप डाल सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों समस्या का समाधान, यानी पर्यावरण प्रदूषण का जो समस्या उससे हम समाधान कैसे पा सकते हैं। और जो छठा हेडिंग है आपका उपसंहार, ध्यान सुनिएगा, ये जो लास्ट वाला हेडिंग है छठा, जो उपसंहार, तो दो हेडिंग आपका सभी में आपका कामन रहेगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, दो हेडिंग आपका कामन रहेगा। कौन कौन से, पहला आप लिखेंगे आंख मूंद कर जब निबंध लिखेंगे, सभी बच्चे कान खोलकर सुन लेंगे, जब निबंध लिखेंगे तो पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना जो रहेगा, ये सबसे पहला हेडिंग मिलेगा किसके, ये प्रमुख विचार बिंदु या रूपरेखा लिखने के बाद पहला आप डालेंगे प्रस्तावना, दूसरा सॉरी लास्ट वाला आपका हेडिंग रह जाएगा उपसंहार। उपसंहार में, उपसंहार का अर्थ क्या होता है, जो आपने निबंध लिखा उसका निष्कर्ष क्या आपने निकाला वो आपको अपनी भाषा में यहां पर लिखना होता है। ये चीजें समझ में आ गए, अब ध्यान सुनिएगा, अब कहेंगे सर ये लिखने में तो हमें सोच सोच कर लिखना पड़ेगा, तो देखिए विचार बिंदु में आप एक प्रस्तावना डाल दीजिए, दो चार हेडिंग जो आपके मन में बनती है ये पॉइंट डाल के इसमें लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उपसंहार को छोड़े रहिएगा, जब आप लिखना शुरू करते हैं निबंध, आप देखिए ये तीन या चार लाइन में आप इसको लिख सकते हैं इस वाले को, ठीक है, और इसी से आपको दो अंक मिलेगा, इसी पर आपको दो अंक निर्भर है, तो दो अंक भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसमें कम से कम आपको चार पांच छह हेडिंग आपको अच्छे से बना लेनी है। ठीक है, इतना आपको यहां पर करनी, तो दो अंक आपको यहां पर रूपरेखा पर मिल जाएगा। अब बच जाता है सात अंक आपके निबंध पर, तो निबंध में अब ध्यान, रूपरेखा वही होता है जो निबंध में आप हेडिंग डालते हैं, तो आपको जो हेडिंग याद है वही आपको इस रूपरेखा विचार बिंदु में आपको आंख मूंद करके डाल देनी है। और दो हेडिंग हमने आप सभी को बता दिए हैं, निबंध में कामन रहता है प्रस्तावना और लास्ट वाला उपसंहार, तो दो आपका कामन हो गया, चार पांच आपको अपने हिसाब से बनानी है। तो पर्यावरण प्रदूषण जो जो हमने आपको इंपॉर्टेंट बताया इसका आप हेडिंग तैयार कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन बैंक में देख करके, तो अगर पेपर में ये पूछा जाएगा तो बिल्कुल बेस्ट लिख करके आएंगे। तो 9 में से अगर हेड राइटिंग अच्छा रहता है तो आपको 9 में से 8.5 नंबर, 8 नंबर या 7 से लेकर के आपके 9 नंबर के बीच में जो है आसानी से अंक बिल्कुल आसान तरीके से मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया कि आपको निबंध कैसे लिखना है, दो अंक आपको कहाँ से लेना है और 7 अंक आपको कहाँ से लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं रहा होगा। इसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण। इसी तरीके से दोस्तों आपका इसमें डालेंगे वही विचार बिंदु, ठीक है, मेन पॉइंट आपका विचार बिंदु या रूप रेखा डालेंगे। अब इसमें क्या क्या हेडिंग बन सकते हैं आप उसको लिखिए, जैसे पहला आपका क्या हो जाएगा प्रस्तावना, ठीक है, उसका जनसंख्या वृद्धि, अब दूसरा क्या है जनसंख्या वृद्धि का कारण लिखेंगे, फिर इसके बाद इसका तीसरा डाल देंगे निवारण लिखेंगे, ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण में आप किसी भी कई प्रकार से लिख सकते हैं, और लास्ट वाला आप जैसे लास्ट आप लिखेंगे उपसंहार। ठीक है, ये आपका हो गया रूपरेखा में। तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो देखेगा कि बच्चा लिखा हुआ है, तो दो अंक जो आपको रूपरेखा या विचार बिंदु पर मिलता है तो दो अंक में से आपका मान के चलिए अगर देना होगा तो उम्मीद है कि आप सही हेडिंग डालेंगे, दो अंक में दो अंक पूरा मिल जाएगा, ठीक है, या डेढ़ नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो हेडिंग आपने डाला यही आप यहाँ से पहला आप डालेंगे प्रस्तावना, ठीक है, यहीं से आप डालेंगे
प्रस्तावना और आप हेडिंग डालकर जो जो आपने हेडिंग इसमें रूपरेखा में डाला हुआ आप लिखते हुए आगे बढ़िएगा। और दोस्तों सभी बच्चे ध्यान देंगे इस निबंध को जो है एकदम कोशिश करिएगा, सभी क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में करिएगा, जितना विस्तार हो जितना समय मिले आप निबंध लिखते जाइएगा, ठीक है, छोड़ना आपको नहीं है। चलिए इसी तरीके से दोस्तों बात कर लेते हैं आपका भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, तो इसमें भी आपका रहेगा रूपरेखा, तो ठीक है, तो रूपरेखा में आप डालेंगे पहला आपका हो जाएगा आपका प्रस्तावना, ठीक है, और भ्रष्टाचार के कारण और भ्रष्टाचार के निवारण, और लास्ट में आपका हो जाएगा आपका उपसंहार। इस तरीके से आप इसमें और हेडिंग आप बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से दो अंक आपका इस पर, और ये जो हेडिंग डाले यही आप निबंध में यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपका चौथा हो गया आतंकवाद, ठीक है, आतंकवाद जस्ट यहां देख पाएंगे। अब यहाँ पर विचार प्रमुख विचार बिंदु जो कि ये आपको मिलेगा दो अंक के, दो अंक आप इसी तरीके से डालेंगे, दो अंक आपको मिलेगा। ये आप डालने के बाद यहाँ पर आप हेडिंग जो देख सकते हैं, यहाँ पर जो अपने डाल लिखा हुआ है वहीं आपका हेडिंग होगा प्रस्तावना। इसी तरीके से आतंकवाद का अर्थ अगला हेडिंग डालेंगे, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है यानी विश्वभर की समस्या है, इसको आप डालेंगे। इसी तरीके भारत में आतंकवाद का इसमें जिम्मेदार कौन है, इस तरीके चीजें जो हैं आप इसमें डालकर लिख सकते हैं। और देख पाएंगे यहाँ पर लास्ट में उपसंहार यहाँ पर लिखा गया, तो लास्ट वाला यानी कि उपसंहार यानी कि निष्कर्ष इसमें लिखना होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे समझ में आ गया, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आतंकवाद भारतीय, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्रिय लेखक साहित्य का, यहाँ पर नाम दे सकता है या बिना नाम से आप सब पूछ सकता है, अगर आपको पता है उनके बारे में जीवन परिचय जैसे लिखते हो वैसे आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। छठा आपका विज्ञान वरदान और अभिशाप, यानी विज्ञान का वरदान क्या है, इससे हमें लाभ क्या हो रहे हैं, और इसका अभिशाप यानी कि इससे हमें कई दिक्कतें प्रॉब्लम समस्याएं क्या हो रही है, ये भी आप इसके बारे में इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और लास्ट है आपका खेलकूद का महत्व, या हमारे जीवन में खेलकूद का महत्व क्या है, इसके बारे में आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। इसको क्वेश्चन बैंक में मिला करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट कि हर बच्चों का कम से कम जो है बोर्ड एग्जाम में 80% जो प्लस स्कोर आसानी से हो, ठीक है। नए बच्चे तो भी जो जो बताते कम से उतना तो आप तैयार करिए, और हाँ बोर्ड एग्जाम में गलत सही लिख करके आना छोड़कर क्वेश्चन बिल्कुल आप सही बच्चों को नहीं आना, आपको नंबर पक्का मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गया, तो इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हमारे प्यारे स्टूडेंट आप इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करिए, सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके, ताकि वो अच्छे से तैयारी कर ले और हिंदी में बिल्कुल फेल ना हो पाए। और जितने भी क्लास चल रहे इंपॉर्टेंट आप देखते चलिएगा, और साथ में दोस्तों क्लास पसंद आ रही तो बिल्कुल क्लास को आप लोग लाइक करिएगा और शेयर, उम्मीद है कि सभी बच्चे करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, हर एक बच्चे तक आप शेयर करके इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो हमारे नए विद्यार्थी चैनल जुड़े आप सभी का स्वागत है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आपको टेलीग्राम, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाना, दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले बिल्कुल जाइए जुड़े, जाके जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं, जो भी आपके प्लानिंग बताए जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आप उसको फॉलो करिए। उम्मीद है आप बोर्ड एग्जाम में एक शानदार टॉप नंबर लेकर के आएंगे, और आपकी परीक्षाएं जो है 16 फरवरी से ही शुरू होंगी, हर हाल में परीक्षा 16 फरवरी से ही है, तो आप तैयारी में अच्छे से जुड़ जाइए, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।